हेलो, वेलकम टू द टेक क्रेजी चैनल। आई एम जगदीश होगर। इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द पेटेंट। इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज पेटेंट, मींस पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब क्या है। सो वी शैल सी इन दिस वीडियो। नेक्स्ट इज हाउ इजी टू मेक पेटेंट्स, मतलब एक्चुअल में कितना इजी है पेटेंट करने के लिए। सो वी शैल सी हियर। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी पेटेंटेड, मतलब आप क्या पेटेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट कैनॉट बी पेटेंटेड, आप क्या पेटेंट नहीं कर सकता है। एंड लास्ट वन इज व्हाई पेटेंट, सो पेटेंट क्यों करने का। सो दिस फाइव थिंग्स वी शैल सी इन दिस वीडियो, वी शैल डिस्कस इन दिस वीडियो। हम ये पांचों चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है। सो इट इज, यू कैन से इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड सोसाइटी, मतलब एक एक टाइप का आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक टाइप का अग्रीमेंट है। सो बिटवीन द इन्वेंटर एंड सोसाइटी, इन्वेंटर एंड सोसाइटी के बीच में एक एक टाइप का अग्रीमेंट है, ऐसा आप हम बोल सकते हैं पेटेंट का मतलब। सो अदरवाइज इन लीगल डेफिनेशन, सो इट इज अल्टरनेटिव आर यू कैन से दिस इज अ लीगल डेफिनेशन। लीगल तरीके से आपको डिफाइन करने का ही तो, सो इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन इन लीगल मैनर, सो ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट द इन्वेंशन। मीन्स सपोज इफ यू मेक द इन्वेंशन और इफ यू मेक द रिसर्च एंड इफ यू फाइंड समथिंग एंड इफ यू मेक पेटेंट, सो दैट मीन्स यू विल गेट द एक्सक्लूसिव राइट टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट, मतलब आप उसको यूज करके आप उसके ऊपर बिजनेस कर सकता है। तो उसका जो भी बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आप उस रिसर्च से, इन्वेंशन से आप ले सकते हैं। मतलब इट विल बी ओनली you will be having right, only person you will be having the right to get the financial benefits. So if you make the patent, so protection up to 20 years. So if you make patent, so its validity is up to 20 years. Or 20 years ke baad kya hota hai, wo expire ho jata hai. Aap 20 years tak uske upar aapka right ban jata hai. सो हाउ ईजी टू मेक पेटेंट्स, पेटेंट्स करने का बहुत ईजी है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप कुछ रिसर्च करना चाहिए, सो आपका आइडियाज भी आप पेटेंट कर सकते हैं। सो बेस्ट एग्जाम्पल इज, सो इधर हियर आई एम गिविंग बेस्ट एग्जाम्पल। अभी देखो मैं आपको एक सिंपल का एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो दिस इज ए, आपने सुना होगा कि आपको तो पता है सिंगल सिम मोबाइल, डबल सिम मोबाइल। सो 2010 के आसपास में ओनली सिंगल सिम मोबाइल रहता था। तो उस टाइम पे सो वन पर्सन हैज मेड द पेटेंट ऑफ डबल सिम मोबाइल। सो दो सिम यूज करने का मोबाइल में उसका एक आदमी ने पेटेंट बनाया। तो उस टाइम पे उस आदमी ने क्या सोचा है कि फ्यूचर का सोचा है। सो फ्यूचर का सोच के उसने क्या किया, एक डबल सिम का, डबल सिम यूज करने का मोबाइल पे तो उसका पेटेंट बनाया। So that's why, so you can see, so everyone's mobile in today's world is having double SIM. So हर एक के पास double, आज के जमाने में most of the people के पास जो mobile है अभी, so सभी के mobile पे double SIM use कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि so जो भी mobile company double SIM mobile को manufacturing करता है तो उसको royalty मिलता है, उसको financial benefits मिलते हैं। तो हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है डबल सिम मोबाइल, सो हर कंपनी उसको, उनको जो पेटेंट किया था तो उनको पैसा देता है। सो 15-16 रुपीस यू विल गेट एज ए रॉयल्टी। सो यू जस्ट इमेजिन, सो फ्रॉम एवरी मोबाइल इफ इज अर्निंग 16 रुपीस, सो जस्ट इमेजिन हाउ मच इज अर्निंग। सो व्हाट ही हैज डन इज, व्हाट ही डिड इज, सो ही जस्ट simple idea, he patented the simple idea which is what you can say in future which will be beneficial. So वैसा उसने उस time पर सोच के उसको patent बनाया था,
तो इसलिए वो आज पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब आप सिंपल सिंपल आइडियाज भी आप पेटेंट कर सकते हैं, मतलब जो फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होता है। सो नेक्स्ट इज यू कैन सी, सो दिस इज ए डोर लॉक। सो मैं आपको, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सो हाउ टू कंबाइन द टू आर मोर पेटेंट्स एंड यू कैन मेक द न्यू पेटेंट्स। सो यू कैन सी दिस इज ए डोर लॉक, सिंपल डोर लॉक। सो दिस इज ए पेटेंट, वन पेटेंट। सो बायोमेट्रिक स्कैनर, दिस इज सेकेंड पेटेंट। सो इफ यू कंबाइन दिस टू देन इट विल बिकम ए वन मोर पेटेंट। सो इट विल बिकम ए थर्ड पेटेंट। सो दिस इज ए बायोमेट्रिक डोर लॉक। सो लाइक दिस इफ यू कंबाइन टू एग्जिस्टिंग पेटेंट्स सो यू कैन मेक द थर्ड पेटेंट। सो लाइक दिस यू कैन मेक द थिंकिंग्स ऑन एग्जिस्टिंग पेटेंट्स ऑल्सो, यू कैन मेक योर ओन पेटेंट बाई कंबाइनिंग द टू आर मोर पेटेंट्स। सो हियर वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू। सो दिस इज ए व्हील एंड दिस इज ए बैग। सो दिस इज वन पेटेंट एंड दिस इज वन पेटेंट। सो इफ यू कंबाइन दिस टू सो दिस विल बिकम द ट्रैवलिंग बैग। सो दिस इज वन पेटेंट, दिस इज वन पेटेंट। बाई कंबाइनिंग दिस टू सो दिस विल बिकम अनदर पेटेंट। सो लाइक दिस यू कैन थिंक एंड यू कैन मेक द न्यू पेटेंट्स, मीन्स यू कैन मेक द एग्जिस्टिंग पेटेंट्स बेटर वन एंड यू कैन मेक द न्यू पेटेंट। सो अगेन वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्कैनर एंड प्रिंटर। सो दिस इज वन पेटेंट एंड दिस इज अनदर पेटेंट। सो बाई कंबाइनिंग दिस टू सो यू कैन मेक अनदर प्रोडक्ट एंड दिस यू कैन मेक द अनदर पेटेंट, स्कैनर विथ प्रिंटर। सो नेक्स्ट इज यू कैन सी, सो दिस इज ए टीडीएस डिस्प्ले। सो विच नॉर्मली यूज इन टू चेक द टीडीएस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी रहता है तो उसका टीडीएस चेक करने के लिए यूज करता है। तो इसी में आप दो तीन और टेक्नोलॉजी ऐड किया, तो सपोज देखो टीडीएस के साथ साथ आप टेम्परेचर यानी पीएच ऐड किया तो और एक पेटेंट कर सकता है, मीन्स इट विल बिकम अनदर पेटेंट, अनदर प्रोडक्ट। सो हियर इट इज ओनली टीडीएस डिस्प्ले। सो हियर इट इज ऑल टीडीएस, टेम्परेचर एंड पीएच डिस्प्ले। सो लाइक दिस यू कैन मेक द एग्जिस्टिंग पेटेंट्स मोर बेटर एंड यू कैन मेक इट अनदर पेटेंट। फर्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी पेटेंटेड। देखो ए प्रोडक्ट, सो एनी प्रोडक्ट, एनी न्यू प्रोडक्ट इफ यू इन्वेंट सो यू कैन मेक इट पेटेंट। द अपरेटस फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट मीन्स लाइक मशीन्स। सो एनी मशीन, सपोज आपको अगर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के तो आपको क्या लगता है, एक अपराटस, एक मशीन लगता है। सो वैसा मशीन भी आप पेटेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस, सो प्रोसेस मीन्स, सो इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग बाय सम प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, सो अदरवाइज सम अदर प्रोसेस, सो यू कैन मेक सच थिंग्स आल्सो पेटेंट, यू कैन आल्सो मेक द पेटेंट ऑफ सच थिंग्स। सो नेक्स्ट इज द यूज, मीन्स एक एक प्रोडक्ट होता है जो दो तीन जगह पे उसको यूज कर सकता है, तो डिपेंड अपॉन दैट वो प्रोडक्ट किधर यूज करने के, तो उसका यूसेज के ऊपर भी आप पेटेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, फर्स्ट वन इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर टेक्स्ट, सो इट इज अ टेक्स्ट फॉर्म। सो इट कैन मेक कंप्यूटर प्रोग्राम को आप कॉपीराइट कर सकते हैं लेकिन पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मेडिकल एंड सर्जरिकल ट्रीटमेंट्स, मीन्स आप जो भी मेडिकल एंड सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप अगर इन्वेंट किया तो उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल मेथड्स, सो मैथमेटिकल मेथड्स को भी आपने इन्वेंट किया तो, आप आइडेंटिफाई किया तो उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज बिजनेस मेथड्स, यू कैन नॉट मेक पेटेंट। नेक्स्ट इज डिस्कवरीज, सो डिस्कवरीज मीन्स अगर आपने कुछ डिस्कवर किया वर्ल्ड में सो उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एस्थेटिक क्रिएशंस, सो एस्थेटिक क्रिएशंस को भी
आप पेटेंट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। सो इफ यू फाइंड न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल इन दिस अर्थ, उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इन्वेंशंस विच आर कंट्ररी टू द मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक ऑर्डर। एग्जाम्पल, सो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टॉर्चर, कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है जो टॉर्चर करने के लिए यूज कर सकता है तो उसको आप पेटेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द ह्यूमन बॉडी एंड एनी नॉन सेपरेट पार्ट्स। सो ह्यूमन बॉडी का जो भी नॉन सेपरेट पार्ट है उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। सो दीज आर थिंग्स यू कैनॉट मेक द पेटेंट। वाई पेटेंट, पेटेंट आपको क्यों करने के? सो नहीं किया तो क्या होता है और करने से क्या बेनिफिट्स है, लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम पेटेंटिंग द इन्वेंशन एंड सिक्योर्स वन्स प्लेस इन द मार्केट। देखो आप सपोज आपने इन्वेंट किया, अगर दूसरे ने कोई उस उनको पता चल गया, सपोज उसने पेटेंट किया, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपने इन्वेंट किया फिर भी आप यूज नहीं कर सकते। वाई? सो यू हैव नॉट पेटेंटेड द योर इन्वेंशन, समबडी एल्स इट हैज बीन पेटेंटेड। सो इसलिए जो पेटेंट करता है तो वो उसका मालिक बन जाता है। सो ही विल हैव द राइट टू कमर्शियली यूज दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन। सो दैट्स वाई वेन एवर यू फाइंड न्यू इन्वेंशंस, यू इफ यू डू द एनी न्यू इन्वेंशन, अदरवाइज इफ यू फाइंड एनी न्यू थिंग्स, न्यू रिसर्च, सो यू हैव टू मेक पेटेंट। सो अदरवाइज समवन एल्स कैन मेक द पेटेंट्स। नेक्स्ट इज to attract investors for further development and to hold on to current investors, means aap patent karne se aap investors ko welcome kar sakte hai, means aapka patents ke upar attraction ho jata hai. So somebody will else also will come and make the investments and you can make the your business grows. Next is, so सेल द पेटेंट राइट्स इन द फ्यूचर एज सिंगल कम्युनिटी और बिजनेस। मतलब आप पेटेंट को आप सेल भी कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है तो यू कैन सेल इट। ओके, सो दैट टोटली राइट विल बी विथ यू, आपके साथ ही वो राइट रहता है। आप आपको जितने को भेजने के उसको कितने को सेल करने के, सो उतने पे आप उसको सो अदर पर्सन को सेल कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग अबाउट द पेटेंट्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो थैंक यू अगेन वंस अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Hello, welcome to the